जल प्रवाह पावित स्थले तदेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमट् 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 ढमन्निनादमट् ढमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। नमस्कार, झारखंड झरोखा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं राजदा। श्रावण मास का आज पहली सोमवारी है और इसे लेकर बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह मंदिर का पट खुलते ही बोलबम के नारों के साथ भोलेनाथ के जलाभिषेक का जो दौर शुरू हुआ वो अनवरत जारी है। वहीं सोमवारी को लेकर श्रद्धालु आधी रात से ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे। सोमवार को भागलपुर से गंगा जल भरकर सीधे बासुकीनाथ धाम आने वाले डाक बम भी बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं। तो आपको सीधे लिए चलते हैं देवघर, जहां पर हमारे सहयोगी अरविंद मौजूद हैं और सुबह से ही वो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा नगरी की, किस तरीके से श्रद्धालु वहां जुट रहे हैं। अरविंद, अभी क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि अभी शिव भक्त भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच चुके होंगे और पहुंच भी रहे होंगे। जी राजा, मैं बता दूं कि सावन की पहली सोमवारी को लेकर यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। बाबा नगरी परिसर में पैर रखने की जगह नहीं है। सुल्तानगंज से जल लेकर जो कांवरिया यहाँ पहुँचे हैं वो उसका ताता दिखा सकते हैं कि किस तरह से बाबा नगरी में कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कांवरियों का सैलाब उमड़ा हुआ है, हर तरफ जिधर जाए उधर कांवरियों का सैलाब है। रायदा, ये तस्वीर दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से मंदिर परिसर जो है बाबा बैद्यनाथ की नगरी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का किस तरह से ताता उमड़ा हुआ है। सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। मैं दिखा सकता हूं कि सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसे कोई दिक्कत नहीं हो। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अर्घा सिस्टम से जो कांवरिया लंबी यात्रा 105 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करके आए हैं वे जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों ओर किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और बाबा का जलाभिषेक करने को लेकर यहाँ पर आस्था का जो महासमुद्र कहा जा सकता है, आस्था का महासमुद्र उमड़ पड़ा है बाबा नगरी देवघर में। तो रायदा, आपको मैं बता दूं कि किस तरह, आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से मंदिर प्रांगण में हर तरफ कांवरियों का केसरिया की भीड़ है, कांवरियों की भीड़ है। हर तरफ नजारा आप देख सकते हैं, लाखों कांवरिया अभी भी कतार में लगे हुए हैं और बाबा नगरी में जो जलाभिषेक कर ले रहे हैं वे अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। हमारे साथ आपको दिखा सकते हैं कि कुछ भीड़ जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आस्था का सैलाब है बाबा। तो अरविंद, आप जिस जगह पर मौजूद है काफी अच्छे से हमारे दर्शक देख सकते हैं, एक बार पूरी तस्वीरें मंदिर की और उसके आसपास के जगहों की जरा दिखाएं। दिखा रहे रायदा, हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी, हम जानना चाहेंगे कि सावन के कितनी भीड़ आने की संभावना है और अभी क्या व्यवस्था की गई है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर जी, चारों तरफ पुलिस उलिस लगा हुआ है। कितना कवर आने की उम्मीद है? उम्मीद तो बता नहीं सकते सर, तो पर भी एक अंदाजा लाखों से पार हो सकता है। तो रायदा, आप देख सकते हैं कि लाखों कांवरिया आज यहाँ पर सावन की पहली सोमवारी पर आए। आपको हम एक एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, वो दिखाएं कि किस तरह से आस्था का सैलाब महासमुद्र कहा जा सकता है, आस्था का महासमुद्र बाबा नगरी बाबा के इस मंदिर में उमड़ा हुआ है। हम चाहेंगे अपने कैमरा में उसे कि वे पूरी तस्वीर को दिखाएं जी, कि पूरा मंदिर प्रांगण किस तरह से कांवरियों के रैले से खचाखच भरा पड़ा है। हर तरफ बाबा का जयकारा लग रहा है, हर हर महादेव और बोल बम के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवरिया जलाभिषेक कर रहे हैं। 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से पैदल चलकर आने वाले कांवरियों के लिए सुरक्षा के भी व्यापक व्यवस्था किए गए हैं। प्रशासन, मंदिर प्रबंधन, सरकार की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई ताकि कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो। मैं बता दूं कि मंदिर प्रांगण में कांवरियों और श्रद्धालुओं की आप भीड़ देख सकते हैं रायदा, कि किस तरह से आस्था का महासमुद्र उमड़ पड़ा है यहाँ पर और लोग जलाभिषेक करने को लेकर कतार में लगे हुए हैं और कतारबद्ध है। तो रायदा, मैं बता सकता हूँ कि पहली सोमवारी, सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाबा नगरी में
जो आस्था का सैलाब उमड़ा है वो हर तरफ दिख रहा है और हर आदमी की, हर श्रद्धालुओं की एक तमन्ना है कि किसी तरह से बाबा का जलाभिषेक कर सके। जी राइदा, बिल्कुल अरविंद, हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं और अर्घा सिस्टम का इंतजाम किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। अरविंद जी, जी राइना, मैं बता दूं कि महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं, हालांकि महिला और पुरुष दोनों के लिए लाइन है, पुलिस कर्मी लगे हुए, लेकिन महिलाओं को दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की। आप देख सकते हैं, राइना आपको दिखाना चाहते हैं, जो अर्घा सिस्टम में जलापूर्ति हो रही है, माफ कीजिएगा, जलाभिषेक हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारबद्ध में दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। महिला और पुरुष सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी से कतार में लगाकर जलाभिषेक कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो महिला श्रद्धालुओं को, वो तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है और एक एक श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंदिर प्रांगण में कहा जा सकता है कि उसे भी छावनी के रूप में तब्दील किया गया है ताकि दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो। तो रायदा आप देख सकते हैं कि जहां मंदिर के पास हम मौजूद हैं वहां से किस तरह से आस्था का महासमुद्र बाबा की इस नगरी में दिखाई दे रहा है। जी रायदा, चलिए अगर कोई आसपास है तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि प्रशासन की व्यवस्था और जो इंतजाम वहां पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं, कांवड़ियों के लिए किए गए हैं, उससे वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल एक अलग उद्देश्य के साथ इंतजाम किए जाते हैं ताकि जो पहुंचने वाले हैं बाबा नगरी, जो श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस बार इंतजाम कैसे हैं? जी जी राजा, जी राजा, हम यहाँ पर मंदिर में क्या व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हो दिक्कत नहीं हो, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? यहाँ सब कुछ का व्यवस्था है, पानी का, प्रशासन व्यवस्था और मंदिर में जितने भी कांवरियों के लिए व्यवस्था किया है सब कुछ ठीक किया है। ठीक है, ठीक है। तो रायदा आप देख सकते हैं कि कांवरियों के लिए पानी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। हमारे साथ और बाबा पकड़िए सर। हाँ, क्या बाबा क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग गठबंधन मानते हैं। गठबंधन? हाँ। कितना गठबंधन अभी तो खुला है ये नहीं बता सके, कितना खुला ऐसे चढ़ता है पूरा चढ़ता है। तो गठबंधन हम लोग को भी दे दिया। तो रायदा, जो शिव पार्वती के मंदिर में गठबंधन होता है उसके लिए भी अलग पुजारी लगे हुए हैं, जो टूटता है उस धागे को लूटने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। आप उस वक्त उसको भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाएं जरा हमारे दर्शकों को। क्या एक बार दिखाएं, तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि जो शिव और पार्वती, हम अभी शिव मंदिर में है और जो पार्वती जी के सामने मंदिर है वहां से धागा टूटता है और उस धागे को लूटने के लिए कहा जाता है कि पार्वती और शिव के मंदिर से जो धागा टूटता है वो जिसे मिल गया वो तकदीर वाला होता है और उनका जो दर्शन करने को लेकर यहाँ आए हैं वो दर्शन उनका सफल होता है। तो आप देख सकते हैं कि पार्वती मंदिर से जो धागा, देखिए धागा टूट कर गिरा, आप दिखाएं बाबा जरा से एक बार दिखाएं बाबा इधर, तो धागा तो लूटने के लिए, देखिए बाबा बाबा जरा धागा दिखाइए। देखिए राजा, मैं बता दूं यही पार्वती मंदिर से ये धागा टूट कर आया है शिव मंदिर की ओर और ये जो श्रद्धालु को मिलेगा वो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। वायदा मैं दिखा दूं, एक बार पुनः दिखाना चाहते हैं कि किस तरह भीड़ बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे बढ़ रही है बाबा मंदिर प्रांगण में। आप एक बार पुनः दिखाना चाहते हैं किस तरह से हुजूम किस तरह से उमड़ पड़ा है, कांवरियों का आस्था का सैलाब किस तरह से बाबा मंदिर प्रांगण में, देवघर में उमड़ पड़ा है। रायदा उसे आपको हम दिखा सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से। लोग बाबा का जयकारा लगाते हुए, बोल बम का नारा और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए बाबा के मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार, हर तरफ आस्था का महासमुद्र आप देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं न्यूज 11 के माध्यम से कि आप देख सकते हैं कि सावन की पहली सोमवारी पर किस तरह से बाबा नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। बिल्कुल, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और आपको वहां पर कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं अरविंद? सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले या फिर श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए राजा, व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त की गई है, मंदिर प्रबंधन की ओर से व्यवस्था की गई है,
श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा काफी चाक चौबंद है, सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। जो बिछा जा रहे हैं किसी तरह से भीड़ में, श्रद्धालु से मिलाने की व्यवस्था की गई है। तो चाहे मंदिर प्रबंधन हो या देवघर प्रशासन हो, सभी लोगों की एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है और एक ही चाहत है कि किसी तरह से कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो। और वे हकीकत में धरातल पर दिखाई भी दे रहा है कि ठोस व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। कांवड़िया जो आ रहे हैं वे भी संतुष्ट हैं और उन्हें वे भी यहाँ की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को और प्रबंधन को सराह रहे हैं। रायदा, चलिए, एक महीने का ये पूरा मेला रहता है, एक महीने तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है, तो एक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं इसका इंतजाम किया गया है। श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं और हर साल की तरह इस साल भी पहली सोमवारी में बाबा धाम पहुंच रहे हैं, देवघर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। एक बार फिर से तस्वीरें जरा हमें अरविंद दिखाएं और पूरी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है। जी राजा, आपको हम पार्वती मंदिर से शुरू कराएंगे, पार्वती मंदिर से लेके किस तरह से आस्था का सैलाब है हम दिखाना चाहेंगे कि ये शिव पार्वती का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में हम लोग खड़े हैं और पार्वती मंदिर के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर प्रांगण खचाखच भरा, चाहे जो भी द्वार हो, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, पूर्व द्वार, हर द्वार से कांवरियों का रैला जत्था मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहा है। निकासी के मार्ग में जाम लगा हुआ है, कहा जा सकता है कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि जो कांवरिया घुस रहे हैं उसे निकलने में घंटों लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर प्रांगण में आस्था का सैलाब है। आपको हम धीरे धीरे कैमरा को मूव करें और दिखाएं कि किस तरह से मंदिर प्रांगण खचाखच कहा जा सकता है कि भरा हुआ है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं प्रशासन भी पूरी मुस्तैद है और श्रद्धालु अर्घा सिस्टम का इस्तेमाल करके जलाभिषेक कर रहे हैं। अरविंद, ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की है, वो भी जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। आप हमारे साथ बने रहे हैं, फिलहाल सीधा रुख करेंगे राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की, जहां पर हमारे सहयोगी अंजनी मौजूद है और वहां पर कैसी तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि वहां की तस्वीरें भी हमने आपको सवेरे दिखाई थी कि श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव के साथ पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं, बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। अंजनी, अभी की क्या तस्वीर है? तो सहयोगी से जुड़ेंगे हम, आपको बताएं कि पहाड़ी मंदिर में भी ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, सुबह से ही श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव के साथ पहुंच रहे हैं। अंजनी से हम जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुख देवघर का करते हैं। सहयोगी अरविंद लगातार वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, किस तरीके से परेशानी ना हो, शिव भक्तों को कोई कठिनाई ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही आपको बताएं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, महिला पुरुष के लिए अलग कतारें लगाई गई हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी शिव भक्त को ना हो। अरविंद, तस्वीरें जरा दिखा दें। जी राजा, मैं एक बार पुनः आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, हमारे साथ बाबा है, एक बार आ जाए, आप बताएं कि कैसी तैयारी है सुरक्षा को लेकर और क्या व्यवस्थाएं की गई है? अच्छे से सुविधा की गई है, लाखों की संख्या में यहाँ बोलबम आए हैं और हमारे पुलिस कर्मी लोग पूरा तैनात है, यहाँ अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हैं, व्यवस्था टंच है, पूरा व्यवस्था टंच है, लाखों की संख्या में आए हैं बोलबम यात्री। हाँ यात्री सर। तो राजा, आपको हम फिर एक बार दिखाना चाहते हैं, लाखों की संख्या में, संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब बाबा थोड़ा किनारे जाए, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि एक बार देखें किस तरह से कांवरियों का भीड़ बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है मंदिर प्रांगण में, हर तरफ जिधर नजर दौड़ रहा है आस्था का सैलाब, मंदिर प्रांगण पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। आप राजा देख सकते हैं कि किस तरह से आस्था का सैलाब, चाहे जिस ओर कहा जा सकता है कि आस्था का महासमुद्र बाबा की इस नगरी में मंदिर प्रांगण में दिखाई दे रहा है, जिधर नजर दौड़ रहा है, केसरिया ड्रेस पहने, केसरिया वस्त्र धारण किए कांवरिया और श्रद्धालु, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, पूरे जोश और उत्साह के साथ मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं,
बाबा नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर से लाइव आप देख सकते हैं किस तरह से आस्था का महासमुद्र उमड़ा हुआ है। बिल्कुल अरविंद, जहां नजर जा रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त नजर आ रहे हैं। अब एक बार रुक करते हैं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की, सहयोगी अंजनी हमारे मौजूद है वहां पर। अंजनी, अभी कैसी तस्वीरें वहां पर दिख रही है, क्योंकि सुबह से ही वहां पर भी श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव के साथ पहुंच रहे हैं। देखिए तो अब ये आजदा सुबह लगभग 3:30 बजे जो है और जो सरकारी आरती और श्रृंगार हुआ उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ काफी है और मुख्य जो मंदिर है पहाड़ी बाबा का, मैं भी ऊपर भी इस मंदिर का दर्शन करके आया हूँ और वहाँ अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक हो रहा है और काफी भीड़ है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है काफी दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई है और किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं हो रही है और हर जगह तमाम जिला पुलिस प्रशासन के लोग, आरएसएस के लोग और एनसीसी के कैडेट्स हैं और साधना समिति के लोग यहाँ पे हैं, तो सभी लोग अपनी सेवा भाव से पहाड़ी बाबा का सेवा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बीच में भले एक महिला अचानक बेहोश हो गई थी, फिर उसे ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं जो ये मुख्य मंदिर से वापस लौटने का जो मार्ग है वो धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से लौट रहे हैं और अब तक यदि हम अनुमान लगाएंगे तो कम से कम 30,000 से 40,000 लोग जो हैं यहाँ पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं और व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। तो ये आज सोमवार का दिन है, पहली सोमवारी है और ऐसे में पहाड़ी बाबा का दर्शन करना सर्वोत्तम माना जाता है और यहाँ काफी भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा और भक्ति है वो देखते बनती है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए लगभग 452 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती हैं और जिसकी वजह से आपको कई लोगों को परेशानी होती है, लेकिन एक ऐसा भक्त भी मिला जो घुटनों के बल चलकर वो पहाड़ी बाबा का दर्शन करने जा रहा है। तो ये एक अलग आस्था, एक अलग अटूट विश्वास दिखता है, पहाड़ी बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखती है और लोगों की भीड़ भी है, थोड़ी हम लोगों को परेशानी भी हो रही है। देखिए जरा तस्वीरें पूरी दिखाए, सहयोगी से बोले जरा तस्वीरें पूरी दिखाए, भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरी भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक किया जा रहा है भोले बाबा पर। जी सर, हम लोग 25 साल से आ रहे हैं, बहुत आनंद आता है, मन का सुकून मिलता है, यहाँ का सुकून मिलता है। ये आप देख सकते हैं, हम अभी से कहेंगे जो श्रद्धालु हैं लोगों की भीड़ है और एक अलग पहाड़ी बाबा का नारा लग रहा है, बोल बन के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जरूर कहेंगे कि पहाड़ी बाबा जो है पूरी तरह से आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। और कहाँ से आए जी? किशोरगंज चौक से। ऐसा लगता है यहाँ बहुत अच्छा। आज पहली भगवान से जो भी मनोकामना है सच्चे दिल से मांगा है और चाहते हैं कि सबका अच्छा हो और सब सब चीज पूरा हो। थैंक यू सर। यहाँ का व्यवस्था क्या बताऊँ, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इतना जो भीड़ भरा कर भीड़ तो लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन ढंग से वहाँ पे दर्शन नहीं करते, रोज लोग बहुत बुरा लगता है। भीड़ में ये अर्घा सिस्टम, हाँ ठीक है, लेकिन कोई मतलब व्यवस्था लेकिन ठीक नहीं है। ठीक नहीं, हाँ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे भी बेटर हो सकता है, इससे भी बेटर करना चाहिए। चलिए, कई श्रद्धालु हैं, लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए? इधर आइए। आइए एक बार जरा चाहेंगे कि भोले बाबा का नारा लगा बोल बम। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत यहाँ तरह तरह के नारा लगा रहे हैं, बाबा को संबोधित कर रहे हैं, बहुत बहुत ही आनंद आ रहा है। पहाड़ी बाबा का दर्शन किसी तरह की परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, व्यवस्था बहुत ही यहाँ का बहुत ही मतलब प्रशासन भी साथ दे रहा है, पूरा एकदम सुरक्षा के साथ हो रहा है पूरा दर्शन बाबा का। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, भक्तों को बाबा का दर्शन करने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं।
हाँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे प्रशासन और वॉलंटियर की तरफ से। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज पहली सोमवार में बाबा भोलेनाथ का दर्शन हुआ, जलाभिषेक हुआ मेरे तरफ से, और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे धन्य समझते। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हम लोग। आज पहली सोमवारी है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, बाबा भोलेनाथ मनोकामनाएं पूरी करें हम लोग। सावन का पहली सोमवारी जो शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है, और इसलिए हम लोग पूरे सारे दोस्तों मिलके यहाँ पूजा करने आए हुए हैं। एक बार चाहेंगे कि पहाड़ी बाबा का एक नारा लगा दो। सर, और एक पहाड़ी बाबा पे जोर जोर से ये नारे भी लग रहे हैं, चारों चिल्लम चारों धाम एक चिल्लम बाबा धाम। बोल बोल, ये आप देख सकते हैं राजा जिस तरह से, और जो भक्त है जो श्रद्धालु है उनका एक अलग उत्साह है। और सोमवार के दिन और पहली सवारी होने की वजह से पहाड़ी मंदिर में काफी भीड़ है, तो अब लगातार धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ व्यवस्थाएं को लेकर जो श्रद्धालु हैं और उन्होंने ये जरूर कहा कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और यहाँ लगभग 28 से 32 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, तमाम चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और इससे भव्य तस्वीर अगर बात करें देवघर में नजर आ रही है अंजनी, जहां नजर जा रही है शिव भक्त बड़ी संख्या में वहां दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी अरविंद लगातार वहां से हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद, बात चाहे हम रांची की करें या देवघर की करें, लगभग तस्वीरें एक जैसी हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो नए जनरेशन है, जो यूथ है, वो भी बढ़ चढ़कर मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। अरविंद जी, राजा मैं बता दूं कि बाबा नगरी में चाहे जिस उम्र की हो, जिस वर्ग के हो, हर लोगों का सैलाब यहाँ पर है। मैं बता दूं कि चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, महिलाएं हो या बच्चे हो, सभी का सैलाब आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम एक बार पुनः दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मंदिर प्रांगण में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। एक बार पुनः चाहेंगे कि अपने कैमरा में से दिखाएं कि किस तरह से बाबा मंदिर में पूरी आस्था का सैलाब, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि बस दिखाएं कि किस तरह से हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ आस्था का सैलाब, आस्था का महासमुद्र कहा जा सकता है बाबा नगरी में। राजा, अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बाबा नगरी में हर तरफ, जिधर आपकी हमारे कैमरा मूव करते हैं, उधर सिर्फ और सिर्फ कांवरिया और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण खचाखच भरा हुआ है, लोगों को जलाभिषेक करने के बाद एक गजब की संतुष्टि मिल रही है कि बाबा पर जलाभिषेक, जो 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सुल्तानगंज से जल लेकर यहाँ तक आए हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो इस इच्छा के साथ, इस आस्था के साथ यहाँ पर कांवरिया आ रहे हैं। और ये श्रद्धालुओं का जत्था आप देख सकते हैं जी राजा। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं और जिस तरीके से शिव भक्त यहाँ उमड़ पड़े हैं, जाहिर तौर पर प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। अंजनी और अरविंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अपने दर्शकों को बताएं कि श्रावण मास की आज पहली सोमवारी है, राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और देवघर में जो रेला लगा हुआ है शिव भक्तों का, वो देखते ही बन रही है। और झारखंड के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।